अब जाकर तो तुम सही जगह पर आए हो। शक्ति से शक्ति मांगना शुरू किया है। अब तुमने सीधे रास्ते पर चलना शुरू किया है। अब तुम सही तरीके से जिसके पास जो जाकर मांगना है उसी के पास खुद से जाते हो, ना कि किसी अन्य इंसान या वाहन का प्रयोग करते हो। ये अच्छी बात तो हुई तुम्हारी। अब देखो कृपा कितनी जल्दी जल्दी मिलती जाएगी। और एक बात जानते हो, जिसे पूरी दुनिया पूछती हो, चाहे तुम्हारा विश्वास उस दरबार पर हो या ना हो, लेकिन एक बात ज़रूर मानना कि इज्जत ज़रूर करना, क्योंकि यूं ही नहीं किसी के आगे सर झुका दिया जाता है। कोई किसी के आगे सर झुका देना, उसके पहले उस शक्ति को भी अपने होने का एहसास देना पड़ता है। और तुम ये मानो कि चाहे दरबार कोई भी हो, उसने ये एहसास हजारों लाखों लोगों को दिया होगा, तभी उस दरबार का इतना महत्व होता है। तुम्हारा मानना या ना मानना ये तुम्हारी श्रद्धा है, लेकिन तुम्हारा इज्जत करना ये तुम्हारा कर्म है। और एक साईं भक्त होने के नाते और दूसरे क्या कर्म कर रहे हैं इस पर हस्तक्षेप भी मत करना, और जो मानने को तैयार नहीं है उन्हें मनाना भी मत। हमेशा एक बात याद रखना, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। सच कहूँ तो तुम मेरे लिए भारी नहीं हो। सच तो ये है कि मैं शौक से, पूरी इच्छा से अपने भक्तों के सारे दुख को खत्म करना चाहता हूँ। और ये तुम पर आश्रित होता है कि क्या तुम सच में आओगे, इतना विश्वास दिखाओगे या नहीं। खैर, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि हर दिन तुम्हारी भक्ति और बढ़ेगी। हर दिन तुम जिस चीज़ को प्राप्त करना चाह रहे हो उसके और निकट पहुँचते जाओगे, और शीघ्र अतिशीघ्र सब कुछ हासिल कर लोगे। तुम्हारे जिस शहर में जैसी इच्छा है ना, तुम्हारा घर भी वैसा ही होगा। सब कुछ तुम्हारा तुम्हारे हिसाब का होगा। जैसी जिंदगी चाह रहे हो, जितना आराम चाह रहे हो, जितना सुख दूसरों को पहुंचाना चाह रहे हो, सब मिलेगा तुम्हें। तुम्हें खुद खुशी मिलेंगी। खुश रहो।